दोस्तों, अगर आपको सही सही याद होगा तो आज से करीब 10 से 12 साल पहले टीवी इंडस्ट्री के कई ऐसे सीरियल हुआ करते थे जिनमें बाल कलाकारों की सुपर हिट जोड़ियां साथ काम करती हुई दिखाई देती थी। चाहे वो भाई बहन की जोड़ी हो या फिर बेस्ट फ्रेंड की जोड़ी, उसी जोड़ी में सीरियल काम करने वाले छोटे नन्हे मुल्ले कलाकार की अदायगी और उनका जलवा आज भी दर्शकों के जहन में बिल्कुल पहले की तरह ही बरकरार है। भले ही वो छोटे छोटे कलाकारों की जोड़ी आज बड़ी क्यों न हो गई हो, लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि टीवी पर साथ काम करने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट की जोड़ी में दिखाई देने वाले बच्चे आज बीते समय के साथ बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ये इतना ज्यादा बदल गए कि आप इन्हें दूर से देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के सीरियल में काम करने वाले उन्हें नन्हे नन्हे बाल कलाकारों की जोड़ियों से रूबरू कराएंगे जो बीते समय के साथ आज काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नन्हे मुन्ने कलाकारों की जोड़ियों के बारे में। नंबर एक, देव जोशी और अनुष्का सेन। साल 2009 में प्रसारित हुए बालवीर सीरियल में चाइल्ड आर्टिस्ट देव जोशी और अनुष्का बाल कलाकारों के रूप में अपने अपने किरदार निभाए थे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं देव जोशी के किरदार बालवीर की, जिसे छोटे छोटे बच्चों ने एक सुपर हीरो से भी ज्यादा प्यार दिया था। आपको बता दें कि सीरियल में देव जोशी रंग बिरंगे हीरो सूट में दिखाई देते थे, जहाँ सिंपल हेयर स्टाइल और क्यूट चेहरे में काफी प्यारे दिखते थे। वही आज 20 साल के अडल्ट हो गए हैं, जहाँ अब तो इनकी आधी दाढ़ी भी आ गई है और अब ये काफी स्टाइलिश ड्रेस में हैंडसम दिखाई देते हैं। वहीं इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है। वहीं अब बात करें सीरियल में मेहर का खूबसूरत रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस अनुष्का सेन के बारे में, तो वो बीते 9 सालों में काफी बदल गई हैं और ये सीरियल में पतले दुबले दिखाई देती थी और फ्रॉक और जीन्स पहनती थी। वहीं असल जिंदगी में एक सुंदर लड़की बन गई है और रंग बिरंगे आउटफिट पहनकर काफी सुंदर भी दिखती है। और वहीं इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है। नंबर दो, अविनाश मुखर्जी और अविका गौर। अविनाश मुखर्जी और अविका गौर के नाबालिग पति पत्नी के किरदार को भला कौन भूल सकता है, जो सीरियल बालिका वधु में जज्ञा और आनंद के किरदार में दिखाई दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं अविनाश मुखर्जी के बारे में, जो जज्ञा के भोले से रोल में दिखे थे, जहाँ ये सीरियल में कुर्ता पजामा धोती पहने सिंपल बालों के साथ काफी छोटे दिखाई दिए थे। वही आज स्टाइलिश और मॉडर्न आउटफिट पहने नाइस हेयर स्टाइल के साथ काफी हैंडसम दिखते हैं। वही इन दिनों अविनाश सीरियल ससुराल सिमर का पार्ट 2 में आरफ की भूमिका अदा करते देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सीरियल में आनंदी का किरदार निभाने वाली अविका गौर की, तो ये बीते 12 सालों में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देती है, जहां ये सीरियल में घाघरा चोली और सर पर दुपट्टा काढ़े बिल्कुल कम सीन दिखती थी, लेकिन ये आज मॉडर्न ड्रेस और कर्वी फिगर के साथ सबको हैरान कर देती है। आपको बता दें कि ये टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय न होकर साउथ की फिल्मों में सक्रिय है। नंबर तीन, हर्षिता ओझा और स्पंदन चतुर्वेदी। वही सीरियल में वीरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हर्षिता ओझा सीरियल में जहां दो चोटी बांधे टूटे फूटे दांत वाली पटियाला सूट सलवार पहनी काफी छोटी दिखाई दी थी, वहीं असल में ये लंबे लंबे बाल वाली स्टाइलिश लड़की हो गई है। नंबर चार, इशिता पांजारा और स्पर्श खानचंदानी। उत्तरा सीरियल में स्पर्श खानचंदानी ने इच्छा का क्यूट किरदार निभाया था और सभी के दिलों में भी बस गई थी, और इनको सीरियल के अंदर फ्रॉक पहने और चॉकलेट खाते देखा गया था। वहीं जिनमें ये गांव की लड़की दिखाई देती थी, वहीं असल जिंदगी में ये काफी स्टाइलिश और लंबे बालों के साथ 20 साल की खूबसूरत लड़की दिखती है। वहीं ये फिलहाल टीवी इंडस्ट्री से दूर आज अपनी स्टडीज में बिजी है। वहीं सीरियल में तपस्या की नकचड़ी किरदार निभाने वाली लड़की का नाम इशिता पांचाल है, जो सीरियल में रंग बिरंगे कपड़े शॉर्ट हेयर के साथ खूबसूरत दिखती थी। वहीं असल जिंदगी में भी आज ये मॉडर्न ड्रेसेस और स्टाइलिश हेयर स्टाइल कैरी करती है। वहीं इशिता भी फिलहाल अपनी स्टडी में बिजी है और टीवी इंडस्ट्री से दूर है। नंबर पाँच, ईशांत भानुशाली और एकलव्य अहिर। साथ निभाना साथिया सीरियल में टोलू मोलू के किरदार में नजर आए ईशांत भानुशाली और एकलव्य अहिर, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं टोलू के किरदार में नजर आने वाले चालाक ईशांत भानुशाली की, जहां इस शो में इनका नाम समर मोदी था। सीरियल में ये अपने निक्कर शॉर्ट पहनकर बिखरे हुए बालों के साथ काफी क्यूट दिखते थे। वही असल जिंदगी में ये स्टाइलिश ड्रेसेस और लंबे लंबे हेयर कट के साथ काफी स्मार्ट दिखते हैं। वही सीरियल के बाद इन्होंने कभी भी टीवी शो में काम नहीं किया। अब बात करते हैं मोलू का किरदार निभाने वाले एकलव्य अहिर के बारे में, जो सीरियल में साहिर मोदी का किरदार निभाते थे। ये सीरियल में रंग बिरंगे टी शर्ट और जीन्स में खुले हुए बालों में काफी नटखट दिखते थे, लेकिन असल जिंदगी में आज ये हर तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और ये 14 साल के प्यारे बच्चे नजर आते हैं। तो दोस्तों, आपको किस बाल कलाकार की जोड़ी के बदले हुए लुक को देखकर हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।